बच्चे मोदी की राज में रो रहे हैं। और जनता अपने पे उतर गई ना तो मोदी हमारी वजह से है। 400 रुपए, 450 रुपए का सिलेंडर आता था, अरे घर से 500 रुपए जा रहे। पूरे वर्ल्ड में कितने आदमी से अगर रोज से 500 रुपए जोड़ो तो वो मोदी जी की जेब में ही तो जा रहा है। मोदी क्यों दे रहे हैं? भिखारी है क्या? रिफ्यूजी है? एक मिनट, भिखारी है क्या? जनता भिखारी है क्या? कौन सा राम राज आ गया? कौन से? एक मिनट ठहरो, कौन सी सुगात दी है आपको और मुझे बताइए। एक मिनट, 80 का आप बोल रहे हैं ना, केरला पॉलिश करेंगी, गरीबों का चूल्हा बनेगी, पोछा लगाएगी, तो मोदी जी को तानाशाह कह रहे हैं। तानाशाह है और मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। अगर जनता आज उतर जाए ना तो मोदी चिट्ठियों में उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, ये देश हमारा सबका है। अभी दिल्ली के राजघाट पे मौजूद हूँ, आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं हर जगह से, भारत के हर जगह से आए हैं, भारत के कोने कोने से आए हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पे आए हैं। हमारे जो राहुल जी है ना, कभी कोई जात पात करते नहीं है, वो सबको लेकर संविधान लेके चलते हैं। उनको जब अंडानी अमानी कोई बात आता है बोलने जाते हैं संसद में, तो मैक बंद कर दिया जाता है, उनकी बातें बोल खत्म कर दिया जाता है। क्यों? अंडानी अमानी की जब बात होती है, जब किसी ने किसी के ऊपर वो हमला बोल देते हैं, तो मैं कहना चाहिए कि अडानी अमानी के उनके रिश्तेदार हैं उनके, जो अडानी अमानी को बचा रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, अडानी अमानी के उनके रिश्तेदार बचाना चाह रहे हैं। कैसे कह सकती हैं आपको बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? जब हमारा राहुल जी संसद में उनके लिए कोई बात खड़ा करना चाहते हैं, जब उनकी माइक बंद कर जाता है, उनकी बातें नहीं सुना चाहता है, जब चिल्लाते हैं अरे बंद करो बंद करो, क्या ये बंद करना? अरे हमारे राहुल जी एक अच्छे इंसान है, अच्छे जिम्मेदार लोग हैं। जाके भारत की बदनामी करते हैं? कोई बदनामी नहीं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं। मोदी जी को चोर बोल, मोदी जी ऐसे भी वो है चोर, अंडानी अमानी क्यों बचा रहे हैं? वो चोर नहीं है तो क्यों बचा रहे? अंडानी अमानी तो कहां बचा रहे हैं? बचा रहे हैं ना, कहां बोलने देते हैं? जो बोलते हैं उनको बोलते हैं चलो जेल में डाल दो। हम बोल रहे हैं गरीब आदमी, हमें भी डाल देगा वो, तो हम लिख के दे रहे हैं, हमें भी डाल देगा, हम बोल रहे ना हमें भी डाल देगा। नहीं है, ये सही है कि जो प्रधानमंत्री हैं देश के उसको चोर बोलना सही है? तो क्यों बचा रहे अंडानी अमानी? चोर नहीं है तो मोदी प्रधानमंत्री चोर, उन्होंने कहा चौकीदार चोर, ए बताओ उन्हें, नहीं मेरी बात सुनो, क्या चौकीदार चोर है? ये नहीं बना कि मुख्यमंत्री चोर है, ये तो नहीं बोला उन्होंने। मोदी कौन है? तुम अब चौकीदार जिसको बचा रहे वही चोर है, क्यों बचा रहे हो? ये तो खुद समझे ना इंसान, खुद समझे ना, वो जिसको आप बचा रहे हो वही चोर है ना, क्यों बचा रहे उनको आप? अब उनकी बात जब संसद में बोलते हैं बोले ले, अरे बंद करो बंद करो, कुत्ते तरह भेमियाते सारे उनके, क्यों भेमियाते हो? अरे उनकी बात सुनो राहुल जी की, क्यों नहीं सुनो राहुल जी की बात? मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी, हमारे कोई हिंदू मुझ में कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव आपने कर रखा है, कोई भेदभाव नहीं है। मैं एक जॉब करती हूँ फैक्ट्री में, मेरे साथ भी बहुत सारे हिंदू है, हम साथ में खाते बैठते हैं उठते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव कौन करा रहा है? ये हमारे मोदी जी के बस मन में भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है। मोदी जी तो जाते हैं दरगाह पे चादर चढ़ाने, दरगाह पे जाते हो दिखावा है, अरे हम तुम्हारे साथ है, वो तो दिखावा है, हम तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं है हमारे साथ, कभी है नहीं ना रहेंगे, वो बस वो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाएंगे। भटकाने की कोशिश मत कीजिए, राहुल जी सांसद थे, उन्होंने अडानी की बात संसद में उठाई और वो बोलते हैं कि संसद में उनका माइक बंद किया गया या नहीं, उसके बाद वो फिर समय मांग रहे थे बोलने के लिए, बोलते हैं कि विदेश में जाके आपने भारत, आपको अगर इंग्लिश आती है, उनका वीडियो क्लिप सब वहाँ उपलब्ध है, आप उस वीडियो को देखिए। बोला है लोकतंत्र खतरे में है। हाँ क्यों नहीं बोल सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं, बोलने की आज़ादी? हाँ लोकतंत्र खतरे में कैसे नहीं है बताइए? ये 8-9 सालों में इन्होंने क्या क्या नहीं किया है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान। आप लोग चोर कहेंगे प्रधानमंत्री को, आप लोग को बोलने की आजादी दिया जाएगा? देखिए अगर अगर कानून है, बोलिए, हम चोर नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? जब बोला था स्टेज पे खड़े होके जो कच्चे तेल का दाम होगा अगली सुबह वो उसका रेट होगा पेट्रोल का, आज तक हुआ? आपने आवाज उठाई आपके चैनल ने? बताओ मुझे, महंगाई इतनी कर दी है, क्या भाव है घी का? 140 रुपए का 900 ग्राम कर दी है तो 80 करोड़ जनता को दे भी तो रही है फ्री में? क्यों दे रहे हैं? भिखारी है क्या? रिफ्यूजी है? एक मिनट, भिखारी है क्या? जनता भिखारी है क्या? आप दिखाएंगे ना चैनल पे? एक मिनट भाई साहब, पक्का मैं लेके जाऊंगा आपका चैनल अगर आपने नहीं दिखाया तो। आज जनता बेरोजगार हो रही है, ये कर्मचारी परेशान है बिना वजह के, रोज सारे देश के अंदर कुछ ना कुछ बांटने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, बाकी मिनिस्टर कहां मर गए हैं सारे? क्यों रक्षा सौदे में रक्षा मंत्री जाएगा, हेल्थ मिनिस्टर जाएगा, होम मिनिस्टर जाएगा, क्या सारा दिन प्रधानमंत्री बांटता रहता सुगाते? कौन सी सुगात दी है आपको और मुझे बताइए,
किसको मिली है? 15 लाख रुपए दिए, 15 पैसे भी ना दिए, 28% टैक्स और ले लिया इसने, तो क्यों नहीं चोर कहेंगे लोग? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे 2.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इसके जो GST लगाने पे, मेरा इंडिविजुअल नुकसान हुआ है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं, इतना जो चिल्ला रहे हैं, रामराज आ गया है, रामराज। कौन सा रामराज आ गया है? कौन से, एक मिनट ठहरो, कौन से मंदिर को इन्होंने 10 रुपए दे दिए? ये जनता का पैसा इकट्ठा करते हैं, खा जाते हैं। अरे जो पैसा हम भूखे मारे घर में, तो महंगाई की करो, ठहरो, आप महंगाई की बात करो, पढ़ाई की करो, रोजगार की करो, कभी हुआ है कभी? कभी आप बैठे हो रोजगार के लिए? जवान पढ़ा लिखा बेरोजगार है, एक मिनट बहन जी, एक मिनट, पढ़ा लिखा नौजवान देश के अंदर बेरोजगार घूम रहा है, क्राइम इसीलिए बढ़ रहे हैं। ये दूसरे को क्यों सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, क्यों बस फ्री दे रहे हैं, क्यों राशन फ्री दे रहे हैं? कोई अपाज है, हैंडीकैप है, इनमें से बताओ किसको सुविधा मिली है? ये किसको क्या सुविधा मिली है? क्या मोदी जो है OBC है? पहले सुनिए, मोदी किसको बोलते हैं? OBC है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी आपको, आप गूगल पर चेक करो मोदी कौन होते हैं। जैसे हम राशन बांटने वाले बनिया होते हैं, राशन बांटने वाले कहते हैं ना, राशन बांटने वाला है, ज्वेलर्स को कहते हैं जो, ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है भाई साहब। इसमें देखो कहीं लिखा हुआ है, गूगल पे निकालो, आप अभी निकालो, आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप अभी निकालो। अच्छा, मैं सिलेंडर अच्छा, करके जाऊंगा यहाँ से। सुनिए सुनिए, आपको मालूम नहीं है प्रहलाद मोदी जो है उनके भाई हैं, वो लोग डीलर्स के नेता है, जो राशन जो बिक्रेता है, राशन जो बांटते हैं गरीबों में, उसके लीडर है। 80 करोड़ आप बोल रहे हैं ना कि मोदी जी राशन बांटते हैं, ठीक है, रुक जाओ, राशन बांटते हैं, अगर मोदी जी 8 आने देते हैं तो पब्लिक से 2 रुपए ले लेते हैं। कैसे कैसे? ऐसे ले लेते हैं, सिलेंडर 1100 रुपए का है, राशन 2 महीने का राशन दे के 1100 रुपए का कहा, 400 रुपए, 450 रुपए का सिलेंडर आता था, आधा का आधा पूरा पैसा 500 रुपए। अगर एक व्यक्ति से महीने में एक सिलेंडर मिलता है, एक सिलेंडर मिलता है, अगर एक घर से 500 रुपए जा रहे, पूरे वर्ल्ड में कितने आदमी चले, रोज से 500 रुपए जोड़ो तो वो मोदी जी की जेब में ही तो जा रहा है। मोदी जी जेब में कहां लग जाएंगे, उनके तो परिवार भी। और आप कह रहे हैं ना मोदी, रुको, मोदी जी भीख देते हैं, मोदी जी से हम भीख नहीं लेते, जब तक जनता नहीं रहेगी ना तो मोदी से हमसे भीख मांगनी पड़ती है, हम मोदी जी से मांगेगी बिल्कुल। और जनता अपने पे उतर गई ना तो मोदी हमारी वजह से है, हम मोदी की वजह से नहीं है। आपने बोला कि मोदी जी अपने जेब में लेते हैं, मोदी जी ने तो अपना परिवार त्याग दिया जनता के। परिवार है कहाँ? अरे रुक जाओ, परिवार नहीं है मोदी की, ना बीबी है, ना माँ है, ना बेटा है, ना बेटी है, मोदी वन अकेले है, मोदी सिर्फ अकेले, कोई परिवार नहीं है। क्या करते हैं? मुझे क्या पता क्या करते हैं, जनता का नोच के अपना रखते हैं, और वो बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे, बड़े बड़े हॉल बना रहे, वहाँ पैसा वेस्ट कर रहा है, जो रेड़ी पटरी पे जो गरीब आदमी रहते हैं उनका क्या कर रहा है। और ये कह रहे हैं ना मोदी जी राज करेंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, प्रियंका प्रियंका गांधी, वो राज करते आए हैं, राजा वही रहेंगे, भिखारी वहाँ बनेगा मोदी, राजा वही रहेगा। उन्होंने सिलेंडर का कहा, रेट क्या है? 96 रुपए 72 पैसे पेट्रोल का रेट है, कच्चा रेट कितने का है बताइए आप मुझे, बैरल का रेट बताइए आप बताइए, यहाँ पे बहुत सारे युवा, आप बताइए, एक मिनट पहले सवाल लीजिए, पहले मेरी सुनो ना, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। हम एक घर से 60 रुपए का पानी हम पीते हैं, राहुल गांधी की राज में, इंदिरा गांधी की राज में, शीला दीक्षित की राज में हमने कभी पानी नहीं खरीदा, आज मोदी की राज में एक परिवार 60 रुपए का 30 रुपए बोतल पानी पीता है, टंकी में पानी नहीं आता है, तो ये मोदी जी हमारे पैसे ही तो ले रहा है। यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, इन लोगों से पूछे, मोदी जी ने रोजगार दिया, अग्निवीर निकाला है, मोदी ने तो ये भी बोला था कि झुग्गी वालों को मकान देंगे, रोजगार देंगे, प्लाट बना लिए उसमें चूहे घूम रहे, प्लाट बना दिए, अग्निवीर से खुश नहीं है। मैम 4 साल में क्या करेंगे हम? क्या करेंगे 4 साल में? उसके बाद गार्ड की नौकरी करूंगा, नहीं गार्ड की नौकरी करूंगा मैं, गार्ड की नौकरी, बैंक के पास खड़ा रहूंगा मैं। मेरा बेटा BA पढ़ रहा है, मेरा बेटा BA पढ़ रहा है, 4 साल से फ्री है, सैलून का काम अब कोर्स कर रहा है धीरे धीरे, जब बेटा को मैंने इतना पैसा लगा के पढ़ाया लिखाया, आज उसकी कमाने की उम्र है, तो नौकरी मैं लाए पॉलिश करेंगी, गरीबों का चूल्हा बनेगी, पोछा लगाएगी, तो अपने बच्चों को खिलाएगी, महिला कब तक करेगी?
करेगी, अपना का बच्चा को कब तक पालेगी? महिला भी इंतजार करती है, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरे को कमा के देगा, मेरी सेवा करेगा, हम झाड़ू पोछा कर करके उसको खिलाते रहे। तो आप यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया, इसलिए कांग्रेस हमारे दिल में बसता है। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस के राज में हमने हमारे बाप दादा चार पीढ़ी चलती आ रही है कभी नहीं रोया, लेकिन आज हमारे बच्चे मोदी के राज में रो रहे। आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग खुश नहीं है मोदी से? बिल्कुल भी नहीं, अगर खुश होते तो आना ही नहीं पड़ता। क्यों 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 आए हैं? अरे क्या दे दिया हमें मोदी ने, क्या दे दिया आप? रोजगार क्या दे दिया? हम तो ऐसे घूम रहे हैं, बीए करके घूम रहे हैं, क्या करें? क्या किया है बीए? अगर बीए करके घूम रहे हैं हम, ठीक, आर्ट्स के बाद हमने 12th क्रॉस किया। साल की उम्र है, ये काम कर रहा है, इसे मजदूरी में करना पड़ रहा है, मजदूरी में जाकर करने से। क्या नाम है? ऋषभ। तो आज जो ये सत्याग्रह है, ये सच्चाई के लिए हो रहा है। जिस प्रकार मोदी जी सारी की सारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, सारी की सारी संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, और राहुल जी सच्चाई की बात करते हैं उसके खिलाफ, और राहुल जी सच्चाई की बात करते हैं उनको बोलने से रोका जा रहा है उसके खिलाफ कर रहे हैं, इस तानाशाह के खिलाफ कर रहे हैं। जो तानाशाह अनपढ़ है, अहंकारी है, अशिक्षित है, अयोग्य है, उस तानाशाह के खिलाफ हम ये कर रहे हैं और करते रहेंगे। सच्चाई की आवाज उठा, मोदी जी को तानाशाह कह रहे हैं? तानाशाह है, और मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है, सारी की सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं, आप सारी इंटरनेशनल मीडिया की उठा करके देखिए, इंटरनेशनल जो अमेरिका के सांसद है वो भी कह रहे हैं कि फासीवाद का उदय है ये भारत के अंदर। अगर तानाशाह नहीं है तो एक साल तक किसानों की क्यों नहीं सुनी? आज राहुल जी को संसद से क्यों सस्पेंड किया? अगर वो तानाशाह, राहुल गांधी बदनामी कर रहे हैं विश्व पटल पे जाके भारत की। सरकार और देश दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। सरकार की निंदा करना लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार होता है। उन्होंने कहा है कि सरकार संस्थाओं पर कब्जा कर रही है, देश है, देश ही सरकार। ये कौन सा नया है? ये मोदी युग है, मोटानी काल है। हम नहीं मानते इस मोटानी काल को, हम भारत को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं। ये मोटानी का संविधान ये नहीं चलेगा, आरएसएस का संविधान। देश और सरकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके राहुल गांधी जाके लोकतंत्र की वहाँ पे निंदा करेंगे और आप चाह रहे हैं लोकतंत्र की निंदा नहीं की है, सरकार की निंदा की है, किस प्रकार आरएसएस सारे संस्थानों पर कब्जा कर रहा है, और ये सच्चाई है। देखिए आप, जो कोर्ट का फैसला है वो भी आरएसएस के इन्फ्लुएंस में है। सूरत के अंदर कोर्ट है, वो तो म्यूट कर दिया उन्होंने, सारे के सारे वकील। न्यूज देखते हो ना, राजस्थान में किसकी सरकार है? गोदी मीडिया नहीं देखते। राजस्थान में किसकी सरकार है? अशोक गहलोत सरकार है, और सबसे बढ़िया स्कीम स्वास्थ्य पर, सबसे बढ़िया स्कीम, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज आ रहे हैं। पे आए दिन वहाँ पे हमला होता है, जाति के नाम पे दलित की हत्या। कौन करवाता है? भाजपा वाले करवाते हैं। भाजपा वाले ओपोजिशन में नहीं है क्या? भाजपा की विचारधारा के लोग नहीं है क्या जो कि ये दंगे भड़काते हैं? अनुराग दिल्ली के अंदर, हाँ, तो अब हरियाणा के अंदर है मोनू मानेसर, उसको हरियाणा सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? उसकी बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ फोटोज हैं, आखिर क्यों अरेस्ट नहीं करी? वो देसी कट्टे चलाता है, बंदूकें चलाता है। जिस मुस्लिम की हत्या हुई उसे क्यों नहीं मिलने गए राहुल गांधी? वो मिलने जाएंगे, वो तो हाथरस भी गए थे, वो तो सबसे मिलने जा रहे हैं, और उनके लिए भी उन्होंने तो शांत ट्वीट भी किया। अब तो जाएंगे ही मिलने, अब तो वैसे भी उनकी सदस्यता खत्म हो गई, अब क्या करेंगे? सबसे मिलेंगे, चुनाव भी नहीं लड़ सकते। लड़ेंगे, सत्य की जीत होगी। आप देखिएगा, मोदी को बदनाम कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना बदनाम करना हो जाता है क्या? और अगर देश का प्रधानमंत्री इतना ही दूध का दूल्हा है, अडानी से उसके कोई रिश्ते नहीं है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? 9 साल में दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अगर जनता आज उतर जाए ना, तो मोदी चिट्ठियों में उड़ जाएगा जनता अगर उतर गई तो। लेकिन हमारी जनता 500 रुपए देने पे बिक जाती है। ये देश हमारा मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। ये देश हमारा सबका है, सिख का ईसाई का, साथ जाते रहती है। आपके मोदी ने कैसे कह दिया कि यह हिंदू राज बनेगा? हिंदू राज नहीं बनेगा, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। ये देश सबके लिए है। ये जो कहते हैं ना मोदी हिंदू राज क्या है? हम क्या पाकिस्तान के हैं? हम हिंदुस्तान के हैं, तो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहेगा, पाकिस्तान कैसे चला जाएगा? मुसलमानों से खतरा है, लव जिहाद करते हैं मुसलमान। ये अगर एक गलती करता है तो सबको सजा नहीं दी जाती है? तो नहीं है कि अंदर से पैसे मिल रहे हैं, इसलिए बोल
पैसे काहे के पैसे मिल गए, काहे के पैसे मिले, बोलने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, समझे? ये पैसे की बात नहीं है, जो हर चीज में मोदी से पूछा करो पैसे मिलते हैं कि नहीं पीते, ये बोल नहीं है, दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, हमको तकलीफ है, हम जानते हैं। अरे रुक जाओ, मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम राज करेंगे। मोदी जी कौन थे? ट्रेनों में चाय बेचा करते थे, चाय बेचते थे ना। राहुल गांधी कौन है? जमाने से उनका राज सात पुश्तों से चलता आ रहा, कौन? कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, संजय गांधी, वो तुमसे कहते रिश्वत लेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, वो क्या करेंगे? वो तो खुद ही दुनिया के राजा है, उन्हें किस चीज की कमी है? वो क्यों धोखाधड़ी करेंगे? वो जब आवाज उठाते जब गरीबों के साथ अन्याय होता है, बिगड़ अन्याय। कांग्रेस पार्टी थी सत्ता में, तब अन्याय नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था, नहीं होता था कभी। रोड पे ऐसे हमने मैंने नहीं देखा, मेरे सामने जब से चार साल से ये देख रही हूँ। क्यों निकल रही है मोदी जी की ये रैलियाँ? क्यों निकलती है? सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और आप बदनाम कर रही हैं, तभी से मोदी जी। नहीं, मोदी जी का बदनाम विकास का, अगर अडानी का विकास कर रहे हैं, विकास का अडानी और अंबानी का, दोनों का विकास हो रहा है देश के अंदर, लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। और अभी आपने जो बोला कि कांग्रेस ने आपको पैसे दिया, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने यह कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, तो सोचिए किस तरीके से लोगों को बल कराया। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान में कुछ समय पहले जब हमारा चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी जी ने यह कहा था अगर वहां पे हमारी सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर वहां पे किसानों को कर्जा माफ करेंगे। मैं आपको बता दूं जैसे ही वहां पे सरकार बनी, 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 2 घंटे में डिसीजन लिया और वहां के किसानों को कर्जा माफ किया। तो देखिए 5 साल 10 साल बाप तो बाप रहेगा, बेटा तो बेटा ही रहेगा, ये बाप है मोदी जी, बेटे ये बाप है, बाप हम जानते हैं कि बाप कौन है, बेटा कौन है। बेटा बाप को कब तक धोखा दे देगा? 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद बाप तो बाप ही रहेगा, बेटा तो बेटा ही रहेगा। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, धन्यवाद।